subscribe my channel and press the bell icon and never miss any update from FM News. गोवा सरकार एक नया कानून बनाने जा रही है जिसके तहत लोग सार्वजनिक स्थान पर शराब नहीं पी सकेंगे। सीएम मनोहर पर्रिकर ने कहा कि अगर कोई शख्स पब्लिक प्लेस पर शराब पीता पाया गया तो उस पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार के मुताबिक ये कदम गोवा में बढ़ती गंदगी को रोकने के लिए लिहाज से उठाया जा रहा है। पर्रिकर ने गुरुवार को राज्य पंचायत विभाग के स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। इस दौरान उन्होंने कहा, जल्द ही गोवा में पब्लिक प्लेस पर शराब पीना अपराध माना जाएगा। कानून तोड़ने वालों पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। राज्य सरकार बजट सेशन के बाद एक बिल लाएगी। गोवा विधानसभा का बजट सेशन इस महीने के आखिरी में शुरू होगा। गोवा सीएम ने कहा कि लोग शराब पीने के बाद खाली बॉटल सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर फेंक देते हैं, इसकी वजह से गंदगी फैलती है। सरकार सफाई से जुड़े और पहले से मौजूद कानून में भी बदलाव करने जा रही है, इससे गंदगी पर रोक लगाने में काफी मदद मिलेगी। इस कानून के मुताबिक उन लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी जो तय जगह के अलावा हर कहीं कचरा फेंक देते हैं। पर्रिकर ने कहा कि इन दो कदमों से राज्य में गंदगी की परेशानी 90% तक खत्म हो जाएगी। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार ऐसी बसें चलाने पर विचार कर रही है जिनमें बायोफ्यूल का इस्तेमाल किया जाएगा। यह फ्यूल राज्य सरकार के वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट में तैयार किया जाएगा। पर्रिकर ने आगे कहा, बायोफ्यूल से बसें चलाने वाला गोवा पहला राज्य बन जाएगा। सरकार अगले 6 महीने में ऐसी 40 से 50 बसें चलाएंगी। इस तरह की पहली बस अगले हफ्ते लॉन्च की जा सकती है। देखना ये होगा कि गोवा में ये आदेश कब से लागू होता है। खास बात यह रहेगी कि इससे गोवा के टूरिज्म पर कितना असर पड़ेगा।